पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी के चेहरे को चमकाने में जुट गई है। उनके भाषणों को ऐतिहासिक बताकर सोशल मीडिया पर माहौल बनाने में कांग्रेस भले ही कामयाबी हासिल करते दिख रही हो, लेकिन जमीन पर कांग्रेस की वही हालत है जो पहले थी। जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ रही है, तो जहां चुनाव नहीं है वहां कांग्रेस के खासम खास ही बगावत पर उतर आए हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को लग रहा हो कि उसने अपनी स्थिति थोड़ी बेहतर कर ली है, लेकिन उसे अभी भी अपना घर संभालने में दिक्कत आने लगी है। पार्टी के एक बड़े नेता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उसने सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व से कह दिया है कि वो अपने साथियों के साथ सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन की राह पकड़ेंगे, लेकिन अन्याय से समझौता नहीं करेंगे। ये वो नेता है जो कुछ ही समय पहले तक गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंदों और करीबियों में शामिल थे, लेकिन इस नेता को कांग्रेसियों ने ही निपटा दिया और अब एक कोने में अपने सियासी अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। उस नेता का नाम है अधीर रंजन चौधरी। 17वीं लोकसभा में संसद में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी इस समय पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ अपना गुस्सा सार्वजनिक किया। अधीर ने फेसबुक पर पोस्ट कर परोक्ष रूप से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह से ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अधीर के इस फेसबुक पोस्ट के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। अधीर ने फेसबुक पोस्ट में साफ लिखा है कि जो कार्यकर्ता दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली से फोन नहीं आता। अगर ये राजनीति है तो वो राजनीति मेरे लिए नहीं है, तो मैं अपने साथियों के साथ सड़कों पर रहूंगा, आंदोलन पथ पर रहूंगा। इस बीच सूत्रों का कहना है कि अधीर रंजन अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनकी बात न तो राहुल गांधी सुन रहे हैं और न ही सोनिया गांधी। हालांकि एक बार सोनिया गांधी ने उनसे मुलाकात जरूर की, लेकिन उसके बाद से अधीर रंजन ने बार बार अनुरोध के बावजूद सोनिया गांधी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। अधीर ने हमेशा ही तृणमूल के साथ किसी भी तरह के गठबंधन या सीट समझौते का विरोध किया है। आखिर में उन्हें बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान के हाथों हार झेलनी पड़ी। दरअसल बीते सोमवार को आलाकमान ने दिल्ली में प्रांतीय नेताओं की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में ये साफ हो गया कि अधीर रंजन को प्रांतीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। हालांकि अधीर ने आरोप लगाया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत किसी भी नेता ने उन्हें पहले इसकी सूचना नहीं दी थी। मंगलवार शाम को किए गए फेसबुक पोस्ट में अधीर रंजन चौधरी ने लिखा, जिन कार्यकर्ताओं को दिन रात तृणमूल पीट रही है उसके लिए हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। सत्ताधारी तृणमूल हर दिन हमारी पार्टी को तोड़ रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होकर हम पर अत्याचार करना बंद नहीं किया। तृणमूल इस राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी है। क्या उन्होंने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बख्शा है? आज भी हमारे कार्यकर्ता जेल में हैं, झूठे मुकदमों के बोझ से तले दबे हुए हैं। हमारी पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया है, कोई रोक नहीं रहा है। तो मैं जमीनी स्तर के लोगों के खिलाफ कैसे चुप रह सकता हूँ? अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरे सहयोगियों के साथ अन्याय होगा, मैं नहीं कर सकता। अधीर ने सीधे तौर पर पार्टी नेतृत्व के लिए इस पोस्ट में लिखा, दिल्ली को उन कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी राय भी जाननी चाहिए, उन्हें भी दिल्ली बुलाने की जरूरत है। मैं अपने सभी साथियों के साथ सड़क पर रहूंगा, आंदोलन की राह पर रहूंगा। अन्याय से समझौता करना मैंने न सीखा है न करूंगा। साफ है कि कांग्रेस की सियासत सोशल मीडिया पर भले ही चमकीली दिख रही हो, लेकिन ग्राउंड पर कांग्रेस के उसके नेता ही उससे खफा चल रहे हैं और राहुल गांधी अपने नेताओं को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।